सर तो इसमें दिया हुआ है कि सी ए इक्वल्स सी बी और ई लाइज ऑन द सर्कम सर्कल ऑफ ए बी सी सच दैट ई सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज एंड ई एफ जी इज पैरेलल टू सी बी एंड वी हैव टू प्रूव दैट द सर्कम सेंटर ऑफ ई जी बी लाइज ऑन द सर्कम सर्कल ऑफ ई सी एफ। तो इसमें मैंने कंस्ट्रक्शन किया है दैट कंस्ट्रक्ट एफ ओ परपेंडिकुलर टू बी सी सच दैट ओ लाइज ऑन बी सी। तो फिर बाय ऑब्वियस रीजन ये एक रेक्टेंगल होगा क्योंकि ये 90 है और ये भी 90 है और ये पैरेलल है तो ये एक रेक्टेंगल होगा और रेक्टेंगल साइक्लिक होता है। तो ओ लाइज ऑन द सर्कम सर्कल ऑफ ई सी एफ। तो अब हम ये प्रूव ये करेंगे, हम प्रूव ये करेंगे कि ओ ई ओ इज द सर्कम सेंटर ऑफ ई जी बी बाय प्रूविंग ओ ई इक्वल्स ओ जी इक्वल्स ओ बी। तो इसमें मैंने माना है कि लेट सी ए बी इक्वल्स अल्फा, सी ए बी इक्वल्स सी बी ए इक्वल्स अल्फा एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू थीटा। तो एज ये पैरेलल है तो ये भी थीटा होगा और ये 90 डिग्रीज है क्योंकि एज ये 90 डिग्रीज है और साइक्लिक का तो ये भी 90 डिग्रीज होगा एंगल ई ए बी, तो ये 90 माइनस अल्फा होगा। तो एज ये थीटा है और ये 90 माइनस अल्फा है तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा, तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा क्योंकि 2 अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ई ट्रायंगल ई ए जी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें ये ट्रायंगल ई एफ ए एक आइसोसेलस ट्रायंगल है विथ ई एफ इज इक्वल टू एफ ए। तो एज ये दोनों इक्वल है तो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से ए एफ इज इक्वल टू एफ ई इज इक्वल टू एफ जी हो जाएगा क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ई जी। तो अब कॉन्ग्रुएंस से ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 होंगे क्योंकि ये रेक्टेंगल है। तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस ये ई एफ इज इक्वल टू एफ जी, दिस एफ इज कॉमन एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इक्वल्स 90। तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ई एफ ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल जी एफ ओ। तो इससे हमें एक तो ये मिल जाएगा बाय सिंपलिसिटी कि ओ ओ ई इज इक्वल टू ओ जी। अब ये एंगल थीटा है और ये साइक्लिक है तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो अगेन बाय सिंपलिसिटी ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। और एज ये एक आइसोसेलस ट्रायंगल है तो और ये थीटा है ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। अब ये अल्फा है और ये थीटा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। और फिर इन ट्रायंगल ओ जी बी दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो ओ जी इक्वल्स ओ बी आ जाएगा। तो फिर ओ इज ऑब्वियसली द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ई जी बी एंड ओ लाइज ऑन द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ई सी एफ, हेंस प्रूव।